आज राजस्थान के अंदर पंजाब के पूर्व होम मिनिस्टर सुखी रंधावा जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऊपर इस समय साड़सती चल रही है। बोलते हुए शब्दों की मर्यादा कांग्रेस भूल चुकी है। कांग्रेस का युवराज हिंदुस्तान के बाहर जाकर हिंदुस्तान को बदनाम करता है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह उठाता है और ये सुखी रंधावा जी राजस्थान के अंदर जाकर देश के ओजस्वी तेजस्वी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के मस्तक को ऊंचा किया, हिंदुस्तान इकॉनमी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जिन्होंने हिंदुस्तान को ताकतवर बनाया, ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये शर्मनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सुखी रंधावा जी को कहना चाहता हूं, कांग्रेस को देशभक्ति की बातें करने का, लोकतंत्र की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भी लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान नहीं किया। देश के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देने वाली इसी कांग्रेस ने 356 धारा का सबसे अधिक प्रयोग किया। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इमरजेंसी लगाई और ये आज देश को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे। जितनी तेजी से हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, कांग्रेस के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और मुझे लगता है कि उनको अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करने से पहले अपने शब्दों को तो